नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णों की बनावट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने प्रत्येक स्वर व व्यंजन की बनावट बताई थी कि अगर हमें वर्णों की सही बनावट नहीं पता होती है तो इस वजह से भी हमारा लेख अच्छा नहीं लगता है, और उसके लिए हमें वर्णों की सही बनावट का पता होना बहुत ज़रूरी है। परंतु खाली वर्णों की बनावट से ही हमारा लेख नहीं सुधरता है, वर्णों की सही बनावट के साथ साथ हमें मात्राओं की भी सटीक बनावट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको मात्राओं की सही बनावट बताऊंगी कि जिसकी वजह से आपका लेख और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ की तो आप सबको पता है कि कोई मात्रा नहीं होती है, और सभी व्यंजनों में पहले से ही मिला होता है। फिर आ, आ की जो मात्रा होती है, मैंने देखा है वो मात्रा ठीक तरह से कॉपी में नहीं लगाते हैं व्यंजन के साथ जब लगानी होती है। एक सीधी रेखा और ऊपर शिरोरेखा। फिर ई, ई की मात्रा में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ई की मात्रा होती है एक सीधी रेखा, और जो व्यंजन की जो खड़ी पाई होती है, व्यंजन की जो खड़ी पाई होती है उसके ऊपर मात्रा लगनी चाहिए, और पूरी इस तरीके से थोड़ी सी उठा के और ऐसे टेढ़ी, इस तरह से मात्रा लगनी चाहिए। और बड़ी की जो मात्रा है व्यंजन के बाद में लगती है, वो खड़ी पाई से शुरू होती है, जैसे इस तरीके से और ऐसे। लेकिन मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, अभी मैं बताऊंगी कि बच्चे कहाँ क्या गलती करते हैं। पहले मात्राएं बताती हूँ कि कैसे मात्राएं होती हैं। फिर आता है छोटा उ। इसकी मात्रा एक गोला लगाते हैं, छोटा सा व्यंजन के नीचे लगती है और इस तरीके से। बड़ा उ, 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 इस तरीके। इसका गोला ऊपर जाता है और पूंछ नीचे, व्यंजन के नीचे। फिर रि, रि की मात्रा जो लगती है वो व्यंजन के नीचे लगती है, सी सीधा सी, इस तरह से। फिर आता है ए, ए, ए की मात्रा लगती है, छोटा सा गोला बनाइए, फिर थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन यानी टेढ़ी लाइन। फिर आती है आए, आए, इस तरीके से। फिर इसको ऐसे लगाते हैं, ये मात्रा ऐसे जोड़ते हैं, दो मात्राएं लगती हैं। फिर ओ, ओ की जो मात्रा होती है इस तरीके से लगती है, एक स्टैंडिंग लाइन सीधी रेखा, फिर एक मात्रा ऊपर। फिर आओ, आओ, इसमें भी एक स्टैंडिंग लाइन और इसमें दो रेखा, दो मात्राएं इस तरीके से, एक सीधी लाइन और दो मात्राएं। फिर आती है अंग। अंग की जो बिंदी लगती है, जिसे हम अनुस्वार भी कहते हैं, वो हमेशा जो खड़ी पाई वाली व्यंजन होते हैं उसकी खड़ी पाई के ऊपर लगती है। ये नहीं इधर उधर कहीं भी लगा दी, नहीं, खड़ी पाई के ऊपर लगती है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। इसका जो चिन्ह होता है ये। फिर आहा, ये व्यंजन के पास में लगती है यानी बाद में, दो बिंदु ऊपर नीचे, इस तरीके से। ये तो हो गई मात्राएं, जो आप मात्राओं की सही बनावट इस तरह से करनी होती है हमें। लेकिन अब गलती क्या करते हैं आप लोग, ये देखिए बच्चे क्या करते हैं। मैंने देखा जैसे छोटी की मात्रा लगानी है, किला लिखना है, अब वो क्या करते हैं, वो ऐसे लगाएंगे मात्रा इस तरीके से, कुछ ऐसे लगाएंगे,
कुछ बच्चे ऐसे लगाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं, ऐसे और इधर उधर कहीं भी लगा देते हैं। नहीं, जो व्यंजन की जो सीधी रेखा होती है यानी खड़ी पाई वाली व्यंजन इस तरीके से लगाते हैं, ये मात्रा ऐसे, इस तरीके से ऐसे। और जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते हैं तो उनके ऊपर सेंटर में इस तरीके से ऐसे, इस तरह से मात्रा नहीं लगाते हैं। सेम यही बड़ी के साथ भी होता है। बड़ी की अगर हमें मात्रा लगानी है तो खड़ी पाई वाले व्यंजन से लेकर, खड़ी पाई से लेकर इस तरीके से। इसमें भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने मात्रा लगाई भी है या नहीं लगाई, ऐसे इतना कर देंगे, दिखती ही नहीं है कि मात्रा लगी है या नहीं। या अगर करेंगे तो एकदम ज्यादा ही उठा देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे टेढ़ी कर देंगे। नहीं, जब तक हम मात्रा की बनावट नहीं सही तरह से करेंगे तो वो वर्ण दिखने में सुंदर लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं छोटे ऊ और बड़े ऊ की बारी। ऊ की अब देखिए क्या गलती करते हैं, जैसे छोटे ऊ की मात्रा लगने, ऊ की, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे ऐसे, मैं देखती हूँ ऐसे मात्रा लगा देते हैं इस तरीके से, या लगाएंगे ऐसे ऐसे। नहीं, इसकी जो मात्रा लगती है उसका सही जो बनावट है वो इस तरीके से होनी चाहिए, इस प्रकार। तो देखिए, अब देखिए इसमें और इन दोनों में कितना फर्क है। यही बच्चे बड़े ऊ की मात्रा के साथ करते हैं कि क्या करते हैं, ऊ की मात्रा को कुछ बच्चे ऐसे लगाते हैं, ऐसे इस तरह, पता ही नहीं चलता ऊ की मात्रा है या ऊ की मात्रा है, या बनाएंगे छोटा सा गोला और ऐसे कर देंगे, नहीं। या इसकी जो सही मात्रा होती है वो ऐसे होती है, गोला बनाया और टेढ़ी लाइन इस तरीके, ये मात्रा होती है सही। इस तरीके से हमें मात्रा लगानी चाहिए। और देखिए एक ही मात्रा में क्या करते हैं, जैसे मात्रा लगाई के पर ऐसे, ये क्या होती है, इस तरीके से मात्रा नहीं लगाते हैं। इसको एक गोला लेते हैं और इस तरीके से मात्रा हम लगाते हैं। ये जब कंप्यूटर वगैरह में हिंदी की टाइपिंग होती है तब उसमें इस तरीके से मात्रा लगती है, कंप्यूटराइज मात्रा होती है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं तो इस तरह से मात्रा लगाए तो मात्रा हमारी पूरी पूर्ण रूप से हमें दिखती है कि हाँ ये मात्रा हमारी लगी हुई है। और इसी तरीके से बड़े ए की मात्रा कैसे लगाते हैं बच्चे, ऐसे लिखा और ऐसे ऐसे कर देते हैं मात्रा डिजाइन। नहीं, ये मात्रा जो लगाएंगे आप वो इस तरह से लगाएंगे, ऐसे, और इसी की तरफ दूसरा मुंह करते हुए मात्रा लगेगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो देखिए ये मात्रा सही लगी, ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही, नहीं इस तरह से मात्रा नहीं लगानी है आपको, ये मात्राएं गलत है, ये मात्रा सही तरह से, ये रूप है, ये इस तरह से आप लोग लगाएंगे तो आपकी कॉपी सुंदर दिखेगी, अध्यापिका को भी अच्छी लगेगी, उसका भी मन करेगा कि कॉपी वो आपकी और जांचे इस तरीके से। ये मात्रा है नहीं, ये गलत है मात्रा, मात्रा का सही रूप ये है। तो आप देखिए, खुद देखिए आपके अक्षर, आपकी कॉपी मोतियों जैसी चमकेगी, ये इस तरीके से। अब देखिए अनुस्वार, अंक की बिंदी। अनुस्वार में क्या करते हैं, मैं देखती हूँ कि जैसे कपल लगानी है बिंदी तो इधर 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 कहीं भी लगा देते, नहीं मैंने बताया ना जो बिंदी खड़ी पाई वाले व्यंजनों के ऊपर लगती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस तरीके से, ग पर लगाई इस तरीके से, ल पर लगाएंगे इस तरीके से, प पर लगाएंगे ऐसे, जो गोल वाले व्यंजन है उनके बीच में लगाएंगे, जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है उनकी खड़ी पाई के ऊपर लगती है बिंदी हमेशा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। ऐसे ही ओ की मात्रा देखिए, ओ की मात्रा भी एक सीधी रेखा फिर ऐसे, औ की मात्रा एक इस तरीके से। तो आप लोगों को ये मात्रा समझ में आ गई होंगी कि मात्रा का सही बनावट किस तरीके से होती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसका अभ्यास अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ गलती करते हैं, कि आप कि अगर वर्ण की वर्णों की बनावट सही है, मात्रा भी अगर आपको आगे उसके बावजूद लेख अच्छा नहीं लगता है, कॉपी सुंदर नहीं लगती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगी हो और आपकी लेख में थोड़ा सा भी सुधार हो तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों में बांटिएगा। नमस्कार, तब तक सीखते रहिए व सिखाते रहिए।